अरे अरे अभी निकल जाएगी दीवानी, निकल जाएगी दीवानी, निकल जाएगी। अरे तुरंत जिम के नीचे एक भवन में, एक बिल्डिंग में आग लगी थी और ये एक कमरा था जहाँ पर कि बैटरीज रखी हुई थी। वो एग्जैक्ट वहाँ पर इस समय क्या काम चल रहा था ये अभी इंक्वायरी के बाद पता लगेगा, लेकिन यहाँ पर इस कमरे में आग लगी जहाँ पर कि ये बैटरीज रखी हुई हैं, और शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवर चार्जिंग की वजह से क्या कारण रहा है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये आग लगी और इसके बाद आसपास के जो भवन हैं वहाँ पर भी धुआं फैल गया, तो हमारे जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसने इस पर आग पर तत्काल काबू पाया और सभी लोगों को निकाला गया। एक व्यक्ति जो घायल थे उनको सिविल अस्पताल में भेजा गया और वहाँ अभी सूचना प्राप्त हुई है कि उनकी दुखद मृत्यु हुई है। तो इस एपिसोड में, इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और बाकी सभी लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। अभी आग पर पूर्णतया काबू पाया जा चुका है और अभी अंदर कोई भी व्यक्ति फंसा हुआ नहीं है। हमारी टीम्स ने इसको एश्योर कर लिया है कि ऊपर से नीचे तक सभी जगह पर देख लिया गया है, कहीं कोई व्यक्ति अंदर नहीं फंसा। कितने लोग थे टोटल सर फंसे हुए थे? बताया जा रहा है कि 17 लोगों को निकाला गया है और एक व्यक्ति जो जख्मी हुए थे उनको सिविल अस्पताल भेजा गया था जहाँ पर उनको दुखद मृत्यु। बगल में से एक पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, आग से अगर पेट्रोल पंप को नुकसान पहुँचता तो ये बड़ी घटना हो सकती है। हाँ, इस तरह की जो ज्वलनशील चीजें हैं या जो इस तरह के प्रोबेबल जिसमें आग लग सकती है, ऐसी चीजों को पेट्रोल पंप के आसपास में नहीं होना चाहिए। और ये अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या बैटरीज के साथ क्या है। सर, इस बिल्डिंग में पूरी तरह से पैक थी, कांच का चारों तरफ, कोई भी ऑक्सीजन या हवा जाने की जगह नहीं थी।